रेजिमेंट, भारतीय सेना में मुस्लिम रेजिमेंट क्यों नहीं है? ऐसा क्या किया था मुसलमानों ने? आज जान लीजिए। आज तक भारतीय सेना में मुस्लिम समुदाय का नेतृत्व करने वाली कोई भी रेजिमेंट नहीं बनी। क्यों? पंजाब रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, जट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, असम रेजिमेंट, नागा रेजिमेंट इत्यादि तो मौजूद है, मगर मुस्लिम रेजिमेंट क्यों नहीं है? आजादी के बाद से लेकर आज तक कोई भी ऐसी रेजिमेंट ही नहीं बनी जिससे मुस्लिम समुदाय की पहचान अथवा नेतृत्व दिखाई देता हो। ऐसा क्यों है? क्या भारतीय मुस्लिम देश के प्रति अपनी जान देने का जज्बा नहीं रखते, या वो भरोसे के लायक ही नहीं है? आज हम बताएंगे क्यों नहीं है मुस्लिम रेजिमेंट और क्या किया था ऐसा इस रेजिमेंट ने। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, मुस्लिम रेजिमेंट आज नहीं है, अलग बात है, मगर सन 65 तक होता था। मगर जब सन 65 में भारत पाकिस्तान की पहली जंग हुई थी तो इस रेजिमेंट ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ने से साफ इनकार कर दिया था। लगभग 20,000 मुस्लिम सेना ने पाकिस्तान के सामने अपने हथियार डाल दिए थे। उस वजह से भारत को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि मुस्लिम राइफल्स और मुस्लिम रेजिमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा यकीन करके इनको भेजा गया था। इस वजह से इनकी पूरी की पूरी रेजिमेंट पर ही बैन लगा दिया गया और पूरे रेजिमेंट को ही खत्म कर दिया गया, क्योंकि भारत की असली जंग तो हमेशा ही पाकिस्तान के साथ होती है। और फिर यदि जंग के अहम मौके पर आकर कोई रेजिमेंट जंग लड़ने से मना कर देगी, फिर पाकिस्तान से जंग कैसे जीती जाएगी? अगर आपको इस बात पर विश्वास ना हुआ हो तो यदि आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हो जो 65 के आसपास सेना में रहे हो या सन 65 की जंग में भाग लिया हो, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। यकीन मानिए, ये जानकर हमें भी बहुत बड़ा धक्का लगा था कि ऐसे भी हमारी कोई रेजिमेंट कर सकती है क्या? पर वो किसी ने कहा है ना कि दुनिया में नामुमकिन जैसी कोई चीज नहीं है। 1971 में पाकिस्तान के साथ फिर युद्ध हुआ, उस वक्त सेना में एक भी मुस्लिम नहीं था। उस वक्त भारत ने पाकिस्तान के 90,000 सेना के हथियार डलवा कर उनको बंदी बना लिया था और लिखित तौर पर आत्मसमर्पण करवाया था। क्यों दोस्तों, लगाना 440 वोट का एक झटका। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब